मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वज़ीफ़ा तो हजरत वहाब कहते हैं प्यारे अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता तय हो चुका है, अब कम से कम आप ये बता दीजिए कि बाराती कितने रहेंगे। आज जब बारातियों की बात आती है तो लोग बारातियों की तादाद ज्यादा से ज्यादा लड़की वालों को बताने पर फख्र महसूस करते हैं, सोचते हैं जितनी बारातियों की तादाद होगी उतनी ही हमारा मकाम होगा। लेकिन जब हजरत वहाब ने पूछा तो प्यारे अब्दुल मुत्तलिब ये कहते हैं बाराती ज्यादा नहीं होंगे। अरे ज्यादा नहीं होंगे तो कम से कम तादाद तो बता दीजिए। जो आप मुतवल्लिए काबा हैं, आप काबा के निगरा हैं, आप काबा के इस वक्त के मुकम्मल मुतवल्ली हैं, आप ये बता दीजिए बारातियों की तादाद कितनी होगी। आपने कहा गम मत करो, कहा आपके खानदान के अंदर बहुत काफी लोग हैं, आपके चाहने मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो बता दीजिए कि बारातियों की तादाद कितनी रहेगी। आप कहते हैं गम करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाइए बाराती ज्यादा नहीं रहेंगे। जब बार बार वो पूछते रहे तो प्यारे अब्दुल मुत्तलिब ये कहते हैं हमारे बेटे अब्दुल्लाह के बारातियों की तादाद ज्यादा नहीं होगी, बाराती जितने होंगे सबके सब 11 होंगे और 12वां मेरा बेटा अब्दुल्लाह दूल्हा होगा। मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ, प्यारे अब्दुल मुत्तलिब, प्यारे अब्दुल्लाह का नाम आपने 12वें नंबर पर क्यों पेश किया? तो आवाज आती है चूंकि 12वीं का तादार इन्हीं के शुभ से आने वाला है, इस वजह से ऐसा माहौल पेश किया गया है और दुनिया वालों को बताया गया है। ये आया है तो आम बन करके नहीं आया है, ये आया है तो रसूलों का इमाम बन करके आया है। नारे रिसाला, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खान आबादी, नारे तकबीर। 11 बाराती थे, 12वें दूल्हे की शक्ल में हजरत अब्दुल्ला।